सादर नमस्कार साथियों, आज मैं आपके यूरिन से संबंधित समस्याओं का एक बहुत ही सटीक समाधान लेकर आया हूं। साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको इनमें से कोई भी समस्या हो, एक हो, दो हो, या सभी हो, या एक हो, तब भी आपको पूरी बात ध्यान से सुनना है और आपको इसका अस्थाई समाधान मिलेगा। जी हाँ साथियों, आपने डॉक्टर को दिखाया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें डॉक्टरों द्वारा यह बताया जा रहा है कि आपको गुर्दे में पथरी हो गई है या आपके पेशाब के नली में सिकुड़न हो गई है या आपके सिस्टाइटिस हो गई है या आपको गोनोरिया हो गई है या आपको पेशाब रुक जा रही है, यानी पेशाब से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है, तो साथियों आज ये दवा आपके लिए सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन के लिए ही स्पेशली रूप से मेडिसिन है, रेयर मेडिसिन है, थोड़ी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन सचमुच में साथियों यूरिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखिए कि आपकी यूरिन रुक जा रही है, यूरिन आपकी सप्रेस कर जा रही है, आपको एक्यूट एंड इमरजेंसी हो जा रहा है, आप परेशान हैं, जैसे जाते हैं हॉस्पिटलों में आपको कैथेटर लगा दिया जाता है, फिर आप जैसे ही कैथेटर हटाते हैं फिर आपकी यूरिन जो है रुक जाती है, आपके यूरिन में बहुत ही पतली धार आती है, आपका पेशाब का जो नली है वो सिकुड़ गई है, आपको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है। आपको साथियों ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की स्टिगमेटामाइटिस, जिसे कॉर्न सिल्क भी कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर मेडिसिन है और पेशाब के लिए स्पेशल रूप से बनी हुई। अब जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा हम पेशाब से संबंधित परेशान हो जाते हैं कि पेशाब रुक गया और पेशाब के रुकने से हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में सूजन आ गई, ओडिमा हो गया। अब आप घबरा रहे हैं कि यार क्या हो गया, मेरे किडनी में तो दिक्कत नहीं आ गई, मुझे आखिर ये क्या समस्या हो गई। जब आपने जांच कराया तो जांच आपको सिस्टाइटिस दिखा रहा है, किसी किसी को रीनल लिथियसिस दिखा रहा है, यानी गुर्दे की पथरी दिखा रहा है, किसी को प्रोस्टेट भड़क जाता है, किसी को सिस्टाइटिस हो जाती है। आपको ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये ऑर्गेनिक हर डिजीज के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। अब जरा देखिए कि जब पेशाब से संबंधित समस्याएं होती हैं तो साथियों तो हमारा हार्ट और लंग बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी है। कभी कभी क्या होता है कि यूरिन आपका बहुत स्केंटी होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी तो रुक भी जाता है, ऐसी स्थिति के लिए साथियों ये दवा बहुत ही अच्छी है। आपका प्रोस्टेट बढ़ जा रहा है और उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आप बैठे हैं, यूरिन आपके पास हो गई, बूंद बूंद करके यूरिन निकलती रहती है, आप परेशान हैं, ये दवा बहुत ही अच्छी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या साथियों कि ये दवा आप जब अन्य दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं और आपको उससे रिस्पांस नहीं मिला तो एक बार स्टिगमेटामाइटिस को जरूर आजमाइएगा। ये साथियों थोड़ा आसानी से नहीं मिलेगी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये दवा आपको बड़े बड़े स्टोर में मिलेगी, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो इस दवा का प्रयोग करिए। इसके साथ ही साथ साथियों कभी कभी क्या हो कि हमारे यूरिन में क्या होता है कि यूरिक एसिड और फास्फेट का सिक्रीशन होता है, कभी कभी गोनोरियल सिक्रीशन होने लगते हैं, जैसे लगता है यूरिन के रास्ते ग्लिट डिस्चार्ज हो रहे हैं, गाढ़ा गाढ़ा सफेद सफेद पदार्थ निकलता है और आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगती है, ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ आपको नेफ्रोटिक कोलिक होती है। अब जैसे सपोज करिए नेफ्रोटिक कोलिक क्या होते हैं साथियों, मैं बताऊं कि जैसे किडनी, अगर आपको किडनी माली स्टोन है, रीनल लिथियसिस है और उसके वजह से आपको किडनी में दर्द हो रहा है तो उसी दर्द को साथियों नेफ्रोटिक कोलिक कहते हैं। तो अगर आपको किडनी के एरिया में पेन हो रही है, आप दवा खा खा करके परेशान हो जा रहे हैं, आपकी दर्द नहीं कम हो रही है, तो साथियों स्टिगमेटामाइटिस
आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोज मैं अभी आपको बता रहा हूं वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही साथ साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब में जैसे लगता है कि बालू बालू जैसा निकलता है, कभी कभी वो पेशाब में ब्लड निकलने लगता है। आप दवाएं बहुत खाएं लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप स्टिग्मेटामाइडिस को यूज करिए, आपको देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। साथियों, होम्योपैथी की दवाएं अगर रेयर दवाएं आपको मिल जाए और स्पेसिफिक रूप से आपको जिस समस्या, जैसे हम लोग गहराई में कोई चीज को बताते हैं और आप लोग अगर उसका यूज कर लें तो आपको जादुई इफेक्ट दिखता है। सचमुच में साथियों, आप प्रयोग करके देखिएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसे मदर टिंचर फार्म में अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब यूरिन में अगर आपको एक्यूट इमरजेंसी है, जैसे यूरिन आपकी सप्रेस कर गई है, आप जो है बार बार कैथेटर लगाते हैं लेकिन जैसे ही कैथेटर निकलता है वैसे ही आपकी समस्या बढ़ जाती है, बार बार जो है यूरेथ्रा स्ट्रक्चर के केस में स्लाइडिंग डॉक्टर करता है, आप परेशान हो चुके हैं, इस दवा को यूज करिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे केस में साथियों, 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम एक कप पानी में लीजिएगा। अगर इमरजेंसी हो तो इसे दवा जल्दी जल्दी रिपीट भी की जा सकती है। साथियों, आज हम आपको स्टिग्मेटामाइडिस को बताए, हमें उम्मीद है कि ये यूरिन से संबंधित आपकी समस्याओं को जरूर दूर करेगी। अगर किसी तरह के सवाल आपको हैं, आप यूज कर रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही, जरूर आप कॉल करिएगा। कल्याणम सेवा के किसी भी ब्रांच में आप मिल भी सकते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, आप अपनी समस्या को व्हाट्सएप करिए और हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है तो आप जो है अपना स्लॉट बुक करा लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम आपकी सेवा सदैव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, अभी तक अगर आप मेरे चैनल से आप नहीं जुड़े होंगे तो आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित हो रहे हैं, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, आपको भविष्य में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।